गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट मैथ्स फॉर अ स्टैंडर्ड सेकेंड, चैप्टर नंबर 7। टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज इन अ वर्क बुक। इफ़ यू हैव अ वर्क बुक, यू कैन ओपन पेज नंबर 78। ये देखिए, हमारी यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो है हमको ये वाली एक्सरसाइज फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें टू मग्स इज़क्वल टू 6 कप्स। अब आप कहेंगे, मैम आपने कैसे किया? तो देखिए, टू मग्स यानी कि देखिए, वन मग्स में हम 3 कप्स भरते हैं, ओके। तो 2 मग्स में कितने होंगे? जस्ट डबल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे 6 कप्स। 2 बकेट्स इज़क्वल टू 6 जग, क्योंकि वन जग में देखिए, इसमें क्या है, 2 बकेट्स। बकेट्स हमारी कहाँ हैं? ये हैं, ठीक है। तो 2 बकेट्स में कितने जग पानी आएगा? तो अगर 1 बकेट में 3 जग्स पानी आता है तो 2 बकेट्स में कितना आएगा? यस, 2 3 6 6 जग्स। 1 बकेट्स इज़क्वल टू 18 कप्स। अब ये मैंने कैसे किया है, देखिए, हमने इसके अकॉर्डिंग ही जो है ये सब मैंने लिया है कि देखिए, 1 बकेट में 18 कप्स आएंगे। कैसे आएंगे कि 1 जग, देखिए 1 बकेट्स में 3 जग्स पानी आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसमें देखिए, इसके अकॉर्डिंग जब आप करोगे कि 1 जग जो है वो 2 मग्स में भरता है, ठीक है, और 1 मग इज़क्वल टू 3 कप्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें 6 जग पानी आएगा, तो 3 6 हमने क्या किया, 3 6 18 कप्स। 2 जग्स इज़क्वल टू 12 कप्स। 4 मग्स इज़क्वल टू 2 जग्स, ठीक है। 1 जग इज़क्वल टू 6 कप। 1 जग इज़क्वल टू 6 कप। 1 बकेट इज़क्वल टू 6 मग्स। 1 बकेट इज़क्वल टू 6 मग। मग देखिए ये हैं और जग हमारे ये हैं। 2 बकेट्स इज़क्वल टू 36 कप। यानी कि 2 बकेट्स में कितना आएगा, 2 बकेट्स में हमारे कितने कप पानी आएगा? तो आप जब इसके अकॉर्डिंग ये करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पहले क्या देखना है कि जो है 1 जग में कितने मग्स भरते हैं, ठीक है, तो 2 भरते हैं, ठीक है। तो 2 बकेट्स हमें करना है, तो इसमें पहले हम निकालेंगे मग कितने आएंगे, और मग का फिर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 3 36 आएगा आंसर। तो हमने इसको देखिए ऐसे करके लिख दिया है, ओके। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज, ऐड। इसमें देखिए, हमें एडिशन करना है। 5 में 7 प्लस करेंगे, तो देखिए 5 में हमने 7 प्लस करना है, तो 1 2 3 4 5, फिर कितना है ये 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर विल बी 12 लीटर। यहाँ पे लीटर लिखना कंपलसरी है, आपको लीटर भी लिखना है, ओके। 6 में 4 प्लस करेंगे अब हम, तो देखिए 6, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे 6 ले लिया, फिर उसके आप क्या करिए, अव्वल नंबर काउंट करिए। जैसे कि 6 के बाद क्या आता है, तो हमें 4 तक ही काउंट करना है। तो 6 के बाद देखिए, 4 आप फिंगर्स ले लें या लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो 6 7 8 9 10, तो हमने यहाँ पे 10 लीटर का लिया। ये आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। जैसे 8 है, तो 8 की आप 8 नंबर अपने माइंड में रख लीजिए, और उसके बाद आप 9 तक काउंट करिए। कैसे, जैसे 8, फिर आपने 9 जो है फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं आप, और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो 8 के बाद हमने लाइन जो है 9 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ओके, अब एट के आप जो है फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, एट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो आंसर विल बी 17, तो हम यहाँ पे कर देंगे 17 लीटर। ठीक है, प्लस करना तो आप सभी को आता है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी करा हुआ है। तो देखिए, टुडे इट इज़ योर होमवर्क, आपको जो है ये पूरे फिल करना है। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए, इसमें सब्सट्रैक्शन है, आपको ये साइन भी रिकॉग्नाइज करने हैं कि जहाँ कहीं भी, ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको जो है ऐसे साइन नज़र आते हैं, ये देखिए माइनस के, तो यानी कि आपको कम करना है। क्या करना है आपको? कम करना है, यानी कि हमें लाइन जो है माइनस करनी है। जैसे कि एट है, ठीक है, अब एट में से हमें थ्री माइनस करना है, तो एट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें देखिए थ्री है ना, तो हम थ्री लाइन क्या करेंगे, कट कर देंगे। एंड नाउ 1, 2, 3, 4, 5, आंसर विल बी 5, तो हम यहाँ पे 5 लीटर, ऐसे करके आपको लीटर लिखना है। तो ये माइनस आपको करने हैं, माइनस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा माइनस करने में हमारी ऊपर की जो डिजिट होती है वो हमेशा बिग होती है, ठीक है, और नीचे वाली स्मॉल डिजिट होती है, तभी हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब कैरी वाले आएंगे तो उसमें मैं आपको अलग बताऊंगी। तो देखिए, एट में से एट जाएगा तो क्या आएगा, ज़ीरो ना, एट में से एट, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब एट में से हमें एट ही माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ना। तो ये आपको सब्सट्रैक्शन करने हैं। अब ये मैं आपको बताती हूँ, सॉल्व द प्रॉब्लम। उषा बेन हैड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ सॉसपैन, हेतल बेन गेव माने होता है देना, अनदर सॉसपैन फिल्ड विथ 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी अनदर मीन्स होता है दूसरा सॉसपैन जिसमें कि वो दूध लेती थी, फिल्ड विथ 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो हाउ मच मिल्क डज उषा बेन हैव नाउ, नाउ माने होता है अब। तो देखिए, इसमें क्या है कि उषा बेन के पास पहले से 2 लीटर दूध था, ठीक है, और हेतल बेन ने क्या किया, उनको 3 लीटर्स ऑफ मिल्क और दे दिया, तो हाउ मच, अब उनके पास हाउ मच मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, कि अब उनके पास कितना दूध है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, उषा बेन हैड 2 लीटर, तो आपने 2 लीटर पहले लिखा, ठीक है, फिर है 3 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, तो आपने 3 लीटर और लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास हमको कोई चीज़ देता है तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा करने के लिए यानी कि हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 2 में 3 आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 लीटर। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा, हम यहाँ पे पहले यहाँ पे हमने 2 लीटर लिखा, फिर 3 और फिर प्लस, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 5 लीटर, LITRE लीटर, LITRE लीटर, और यहाँ पर भी आपको LITRE लीटर पूरा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टैंक ऑफ पेट्रोल हैड 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि एक जो है टैंक है उसमें 30 लीटर पेट्रोल आता है, अनदर 9 लीटर पेट्रोल वॉज फिल्ड इन इट, उसमें 9 लीटर पेट्रोल और फिल्ड कर दिया गया, यानी कि और भर दिया गया, तो हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर नाउ, अब टोटल कितना पेट्रोल हो गया। तो देखिए, 30 लीटर तो था ही, ठीक है, 30, ये देखिए 30 लीटर, ठीक है, 30 लीटर था, और उसमें 9 लीटर और फिट कर दिया गया। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप नंबर लिखोगे तो आपको बैक साइड से लिखना है, ठीक है, इस साइड से लिखना है, कभी भी जो है हम जब डिजिट लिखते हैं तो हमें हमेशा बैक से ही लिखनी होती है, ठीक है, और
यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो हमारा देखिए 9 तो 9 ही आ जाएगा और 3 तो 39 लीटर पेट्रोल हो गया है। ठीक है, तो आंसर विल बी 39 लीटर। हरेश हैड 35 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ बकेट, यानी कि हरेश जो थे उनके पास 35 लीटर ऑफ वाटर इन अ बकेट। नरेश पोर्ड 5 लीटर ऑफ वाटर इन इट। नाउ हाउ मच वाटर विल हरेश हैव इन द बकेट। तो देखिए इसमें भी 35 में 35 तो था ही और हमने 5 लीटर और कर दिया। ठीक है, और प्लस कर देंगे तो देखिए 5 और 5 कितना हो जाता है हमारा 10। तो 10 हम पूरा नहीं लिखेंगे, 10 में हम 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी ले लेंगे और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, तो 40 लीटर जो है पानी अब उसके पास हो गया। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, 35 लीटर। अब देखिए यहाँ पे बोला 5 लीटर्स और मतलब दिया गया है। ठीक है, तो हमने 5 लीटर हमें बैक साइड से लिखना है और ये लिख दिया। अब इसको आप प्लस करेंगे तो 5 और 5 में प्लस करेंगे तो 10 आता है। हम यहाँ पे 10 कभी भी पूरा नहीं लिखते हैं अगर हमारे आगे साइड कोई डिजिट है। तो 5 में 5 प्लस करते हैं तो 10 आता है, तो हम यहाँ पे उसका 0 लिखेंगे और 1 हम ऊपर लेके कैरी ले लेंगे। 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40 लीटर। ए बॉटल ऑफ हेयर ऑयल हैड 90 ml ऑयल, 10 ml ऑयल वॉज स्पिल्ड फ्रॉम इट। नाउ हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट। इसमें भी देखिए हाउ मच लेफ्ट, जहाँ कहीं भी लेफ्ट होता है तो आप समझ जाइएगा हमको माइनस करना है। लेफ्ट माने होता है कितना बचा। ठीक है, तो देखिए ए बॉटल ऑफ अ हेयर ऑयल एंड 90 ml, तो 90 ml जो है बॉटल में ऑयल आता था। ठीक है, अब 10 ml जो है क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। ठीक है, यानी कि बह गया, तो हम माइनस करेंगे। अब देखिए 0 तो 0 और 9 में से 1 हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 80। तो हमारे पास जो ऑयल बचा वो कितना बचा 80 ml। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको रीड करेंगे तो जहाँ कहीं भी लेफ्ट होता है, लेफ्ट लिखा हो तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमको इसमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो अब ये देखिए ये 2 जो सम्स हैं ये आपको खुद करने हैं। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए इसमें क्या करना है, लिखा है कि फॉर द ऑब्जेक्ट्स बिलो गिवन सीरियल नंबर 1 विच होल्ड द मोस्ट लिक्विड, सीरियल नंबर 2 विच होल्ड द लेसर लिक्विड दैन 1 एंड सीरियल नंबर 3 विच होल्ड द लीस्ट लिक्विड इन द गिवन। अब इसमें हमको क्या करना है, हमें सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे जो है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी हम जो है स्टोर कर सकते हैं वो हमारा 1 नंबर पे होना चाहिए। फिर हम कंपेयर करेंगे कि इस और किस में ज़्यादा कम पानी आएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 1 नंबर पे आता है और इससे कम पानी इसमें आएगा 2 और इसमें सबसे कम पानी आएगा। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 करके जो है सीरियल से आपको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे आई नो। अब देखिए मैच द फॉलोइंग 17 लीटर्स। अब आपको इसमें मैचिंग करनी है, आपको क्या करना है, पहले जिसमें माइनस है उसको माइनस करके और जिसमें प्लस है वो प्लस करके आपको इसके आंसर जो है देखिए यहाँ पर दिए हैं। तो आपको इसको मैचिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू दिस सम्स इन अ नोटबुक एंड देन मैच द आंसर। आप क्या करेंगे, पहले इसको नोटबुक में कर लीजिएगा ताकि आपको जो है परेशानी भी नहीं होगी। जैसे कि 17 में हम 6 माइनस करते हैं, ठीक है, तो 17 में हमने 6 माइनस करा तो देखिए 7 में 6 जाएगा तो 1 और ये हमारा 1 एज इट हम ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे तो देखिए 11 है। अब आपको देखना है यहाँ पे 11 कहाँ है, तो ये देखिए हमारा 11 है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे करके इसमें 11 लीटर से मैच कर देंगे। आपको साइन पे ध्यान देना है कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए ए टैंकर हैड 90 लीटर वाटर
10 liter water was poured in a bucket from it. Now how much water is left in the tanker? तो देखिए, ए टैंकर हैड 90 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर वॉज पोर्ड इन अ बकेट फ्रॉम इट, यानी कि उसमें जो है उन्होंने क्या किया कि 10 लीटर जो बकेट से पानी था वो निकाल लिया है, तो लेफ्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, ये देखिए लेफ्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमको माइनस करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज तेजल हैड 15 लीटर ऑफ जूस, महेश गेव 9 लीटर ऑफ जूस टू हर, तो नाउ हाउ मच जूस विल तेजल हैव, यानी कि 15 लीटर उसके पास तो जूस था और 9 लीटर उसको और दे दिया गया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए हमें क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर जो आप प्लस करेंगे दोनों को, तो इसमें जो भी आपका नंबर आएगा, जैसे कि देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 14 आएगा, तो हमें 14 पूरा नहीं लिखना है। जैसा कि आपको पता चलना चाहिए कि मैम ने बोला यहाँ पर एक नंबर है, तो हम 14 ऐसे नहीं लिखेंगे, 14 का हम 4 लेंगे और 1 यहाँ पर कैरी ले लेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 24, ठीक है। ए जग हैड 8 लीटर ऑफ वाटर, हाफ ऑफ द वाटर वॉज स्पिल्ड फ्रॉम इट, नाउ हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट है, और उसमें क्या बोल रहा है कि 8 लीटर पानी जग में आता था, हाफ ऑफ द जग, आधा जग जो पानी क्या हो गया, बह गया, स्पिल मीन्स बह जाना, तो अब कितना पानी बचा, तो अब आप तो ये कर लेंगे ना, करिएगा इसको पढ़ने में, इसको पढ़िएगा भी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमको कहाँ पे क्या माइनस करना है और क्या प्लस करना है। तो देखिए ये आपकी पूरी एक्सरसाइज वर्कबुक में हो गई है, चैप्टर नंबर 7 की, ओके। तो आप अब क्या करेंगे, इसको आपको जो है वर्कबुक में पूरा फिल करना है, ठीक है। और ये जो आपके ये वाले हैं सॉल्व द प्रॉब्लम, इनको आप नोटबुक में करिएगा, ताकि आपको आपकी जो रीडिंग स्किल होती है, राइटिंग स्किल होती है, वो भी इम्प्रूव होगी और आपको इसको करना आ जाएगा, ओके। तो टुडे इट इज़ योर होमवर्क, ओके। आपको जो है मैं सारा वर्क जो है आपको इसमें क्या करना है, नोटबुक में भी करिएगा, ये जो सॉल्व द प्रॉब्लम है इसको रीड करके अच्छे से करिए, ताकि आपको पता चले कहाँ प्लस करना है और कहाँ माइनस करना है, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप, बाय गाइज़।